श्री राम समर्थ सितंबर 10 श्री राम के चरणों में मन रखो और रात दिन नाम स्मरण करो। राम यह उद्धार करने वाला निराकार मंत्र है, उसका बार बार जप करो। संसार में हमारा पुनः आना नहीं होगा, अतः एक ही बात करो, राम को अंतःकरण में दृढ़ करो। या मैं पुनश्च कहता हूँ कि संसार में फिर से जन्म नहीं लेना है, इसलिए जानकी के पति की अर्थात राम की भक्ति करो। भगवान शंकर राम नाम जपते थे, उनकी सामर्थ्य इतनी निर्माण हुई कि वह विष भी हजम कर पाए, विष का उन पर कोई असर नहीं हुआ। दीनदास कहता है, राम नाम से वाल्मीकि का उद्धार हुआ, महान पापी अजामिल भी मोक्ष का अधिकारी हुआ। जिसे राम नाम की आदत हो जाती है वह हमेशा भगवान का अर्थात गोपाल का स्मरण करता है, अपनी बुद्धि हमेशा संतों के बारे में चिंतन करेगी तो श्रीपति अर्थात भगवान की समीपता का लाभ होगा। गंभीर विचार करके यह ध्यान में रखो कि त्रिलोक में राम नाम ही एकमात्र श्रेष्ठ है। हनुमान जी लंका में उड़ान करके जा पाए, इसका कारण था कि उनके मन में राम नाम दृढ़ था। दीनदास कहता है, बंदरों का उद्धार राम नाम के कारण ही हुआ, करोड़ नाम जपने पर कुलों का भी उद्धार होता है। राम नाम के बिना कोई साधन हो ही नहीं सकता। राम नाम का उच्चार करने से पाप भस्म हो जाते हैं, समुद्र मंथन से रत्न पैदा हुए, वैसे ही राम नाम महान साधन है, वह तो रत्न की खान ही है। अपने ही भीतर आत्मा राम अर्थात राम है, मन में ही राम होता है। इसी संसार में अपने ही नयनों से हम मेघश्याम देख सकते हैं, अपने ही नेत्रों से राम की मूर्ति देखकर उसी में लीन हो जाए और मुंह से निरंतर राम नाम का जप चलता रहे। प्रह्लाद ने नारायण नाम का जप किया, अजामिल नामस्मरण करता रहा, दोनों भगवान से एक रूप हो गए, दोनों का उद्धार हो गया। महामुनि वशिष्ठ राम नाम जपते जपते राम से एक रूप हो गए, परिणामतः भगवान राम उनके वश में आए। दीनदास कहता है, जो राम का सदा स्मरण करता है उसे गृहस्थी की चिंता नहीं होती। जनता को ही जो जनार्दन समझकर राम का चिंतन करता है उसे शांति मिलती है। राम नाम तो सत्य की खान है, भूत दया समझकर गाय का हमेशा रक्षण करना चाहिए, अतिथि को भोजन खिलाना चाहिए, विषयों का त्याग कर संतों की संगति में रहना चाहिए और राम नाम की मस्ती में लीन होना चाहिए। राम कृष्ण हरि सभी एक ही स्वरूप के हैं, केवल अवतार के कारण अलग अलग लगते हैं। सद्गुरु की असीम कृपा से दीनदास ने ब्रह्म चैतन्य नाम पाया और निरंतर राम नाम जपता है। आज का मुख्य विचार, मन में हमेशा राम का जप करो, हाथ काम में लगाओ, व्यर्थ श्रम मत करो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।